आज नेशनल यूनिटी डे वाले दिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा, जैसे ही वो बोले तो आपको क्या करना है, आपको ईंट उठा लेना है, एक नहीं छः ईंट उठाना है, छः, और छः ईंट उठा के आपको वही करना जो हमारे पेशेंट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो छः ईंट, तीन ईंट इधर तीन ईंट उधर, ये इशिंदरप्रीत कौर का ये फोटो है, फरीदकोट की रहने वाली हैं। वो दो हफ्ते में दो डायलिसिस करती थी, पीजीआई से प्रिस्क्राइब था, पीजीआई चंडीगढ़ से। तो परेशान होकर फिर वो हमारे पास आई, तो वो डीआईपी डाइट जो आपको ऑलरेडी पता है, प्लस हमने उनको बोला कि आप छः ईंट कहीं से भी ले लो, मुफ्त पलंग के ऊपर नीचे लगा लो, जिस तरह से ये है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप छः ईंट इस तरह से लगाएंगे, दैट कॉजेज डायलिसिस, डायलिसिस शुरू हो जाएगा बॉडी की, राइट। आप में से जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनको तो बुक की कॉपी मिली जाएगी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन आप यहाँ पे bishrup.com/360degree में जाएंगे तो ये बुक की हिंदी इंग्लिश की कॉपी आपको ई बुक मिल जाएगा। सो इस लॉन्च के साथ ई बुक इज एक्सेसिबल टू यू थ्रू दिस वेबसाइट, राइट, bishrup.com/360degree। तो यहाँ पर साइंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी डिटेल में जाऊँगा कि ऐसा क्या होगा कि भाई उनकी डायलिसिस शुरू हो जाएगी। इसको समझाना बहुत ही आसान है। याद कीजिए, आज से करीब 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो लोग हमारी उम्र के हैं, मेरी उम्र करीब 50 साल है, अगले कुछ साल में हो जाएगी, तो जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको याद होगा बजाज चेतक हुआ करता था, और जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, उसको थोड़ा टिल्ट कर लेते थे। ये जो टिल्ट आप देख रहे हैं, ये टिल्ट हुआ तो वो फिर चलने लगता था, वो क्या हुआ, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो बचा खुचा पेट्रोल किसी कोने में पड़ा था उस पेट्रोल टैंक के, वो बचा खुचा पेट्रोल आपने जब उसको हिलाया, वो सीधे वो इंजन में गया और उसको एक्सेस कर पाए आप। एंड इसमें आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी यूज किया, ग्रेविटी है तो वो वहां गया और उससे आपने कम से कम अपने नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही गए। सो दैट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ पॉस्चुरल मेडिसिन। आपने स्कूटर के पॉस्चर को बदल दिया, राइट, तो बचा खुचा पेट्रोल है ही, तो वो एक्सेस हो गया और उसका काम इतना हो गया कि अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, वहां तो पेट्रोल मिल ही जाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहां पे समझिए, आप यहां पे समझिए पॉस्चुरल मेडिसिन क्या होता है। इट इज दुनिया का जो सबसे ज्यादा अवेलेबल बड़ा सबसे ज्यादा फोर्स है, इसको यहां रख देते हैं, इसको हटा देते, इसको इधर कर देते हैं, इधर रख देते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा फोर्स है, दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह अवेलेबल है, रेगिस्तान में मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, समुद्र के बीच में मिल जाएगा, अमीर को मिल जाएगा, गरीब को मिल जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो आप देखिए, अगर किसी भी इंसान की बॉडी को हम 10 डिग्री पे ऐसे टिल्ट करते, जैसे अभी देखा आपने इसमें, टिल्ट करते ही क्या होता है कि उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को जिस तरह से ब्लड पैर से पेट की तरफ ऊपर की तरफ आने लगता है और इससे बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ तरह के केमिकल्स हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं, कुछ तरह के और केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का जो एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस यूरिया, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस, ये सब बढ़ने लगता है और इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस यही होता है। एक बात आप याद रखिए अच्छी तरह से, किसी का किडनी कितने ही फेल हो जाए, उसमें फिर भी कुछ किडनी सेल जिंदा है, तभी आप जिंदा हैं। वो बचे खुचे किडनी को पकड़ के उससे काम निकालना है, किडनी सेल तुमने ब्लड किडनी सेल तक पहुंचा दिया, पेट्रोल स्कूटर के इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा तो आपने उसको टिल्ट करके पहुंचा दिया, तो आपने ये किया। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में, आपने पिछले एक साल में देखा ना प्रोन वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, जब भी किसी का ब्रेथलेसनेस कम हो रहा था तो आपने क्या किया, आपने उस पेशेंट ऑक्सीजन SpO2 जिनका 40% तक चला गया, वो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के वो तब भी वो सांस उसका कंट्रोल में नहीं आ रहा, वेंटिलेटर लगाने की बात चल रही है, तो आपने सिर्फ क्या किया, यू यूज्ड अननोइंगली पॉस्चुरल मेडिसिन। आपने उस पेशेंट को लिया 180 डिग्री पे घुमा दिया लाइक दिस, 180 डिग्री पे, यानी कि प्रोन वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, यानी कि पेट के बल उसे लिटा दिया। लिटाते क्या हुआ, आपने देखा विद इन 15 मिनट्स के अंदर उसका SpO2 लेवल बढ़ने लगा, विद इन फ्यू आवर्स इट केम टू 90%। तो जो वेंटिलेटर को जो दिखाते हैं आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कि मॉडर्न मेडिसिन ये वेंटिलेटर बोलता है, राइट, दिस इज अ वेंटिलेटर मॉडर्न मेडिसिन का, और आपको मैं बोल रहा हूँ पॉस्चुरल मेडिसिन।
पोस्चुरल मेडिसिन दुनिया का सबसे नया साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है एक्चुअली दुनिया का सबसे पुराना साइंस है। जब तक जब से लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जब से दुनिया है तब से ये साइंस है, राइट। तो आपने उस इंसान को वेंटिलेटर पर रखने की जगह, हमारे जो कोविड सेंटर्स थे अहमदनगर में या जयपुर में, हमारे राजा मुकीम जी जयपुर से यहाँ पे हैं, राइट, इनके कोविड सेंटर में क्या करते थे, राइट, आप क्या करते थे, उस इंसान को आपने उठा के उसको, वो बोलता था मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अभी ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन बहुत सारा है यहाँ पे, अभी देते हैं, तो उनको सिर्फ 180 डिग्री पे जैसे ही उनको लिटाया, लाइक दिस, ऐसा आपने देखा, ये कोविड सेंटर है, दिस इज अहमदनगर कोविड सेंटर, ऐसे लेटते ही वही वाला काम हो रहा है जो उसको चाहिए, उसके बॉडी में ऑक्सीजन एयर आने लगा। एंड क्यों? क्योंकि जब इस तरह से लेटते हैं तो हार्ट इज डाउन, लंग्स इज ऊपर, तो लंग्स पे हार्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है। यही चाहिए होता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, दैट 20%, यही चाहिए होता है। सो व्हाट इज दिस पोस्चुरल मेडिसिन? और आप देखिए नीचे एक और फोटो देख रहे हैं, डायलिसिस जब मशीन के साथ वो बांध के रखते हैं करीब 4 घंटे तक, तो जो डायलिसिस होता है हॉस्पिटल में, लेकिन वही डायलिसिस वो घर पे कर रही हैं 2 घंटे में, 2 घंटे बेड में इस तरह से लेटना है बस, राइट, जो कि मुफ्त में हो सकता है। तो आज के बाद, आज नेशनल यूनिटी डे है, अगर कोई भी इंसान डायलिसिस के लिए जा रहा है तो वो आपकी कमी, आपने उसको बताया नहीं है कि डायलिसिस भी जाएंगे, अभी डॉक्टर अवधेश पांडे बताएंगे, हर दिन आपका किडनी फर्दर डैमेज होगा, जबकि आप ये करेंगे जो मैंने अभी बताया, हर दिन आपका किडनी फर्दर इम्प्रूव होगा।